सतगावा प्रखंड के अंतर्गत आपकी योजना आपका अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज तृतीय दिवस शिवपुर पंचायत के ग्राम सिहास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला नियोजनालय पदाधिकारी इमरान फारूकी जिला से पहुंचे। सतगावा प्रखंड विकास से अंचल पदाधिकारी बैद्यनाथ उराव व अन्य अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी बैद्यनाथ उराव ने कार्यक्रम में आए सभी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य सरकार द्वारा आम जनों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सभी लोगों बारीक से योजना के बारे में बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा भीमराव अंबेडकर योजना, सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है और इस योजना को जन जन तक पहुँचाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण देकर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का बृहद पैमाने में कार्य किया जा रहा है। वहीं लेडी सुपरवाइजर रेखा कुमारी ने सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से स्कूल के बच्चियों को शिक्षा में सहायता मिले, सुकन्या अनुदान का राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि शिविर में आकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाए। वहीं पहली बार गर्भवती महिला को माँ बनने को लेकर किस्त में पैसा 5,000 देने को लेकर बताती। वहीं खाद्य प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विजय शंकर ने सभी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राशन से छूटे लोग जोड़ने की बात बताएं। वैसे व्यक्ति जो सरकार के पेंशन या आयकर विभाग से जुड़े लाभ लेने को लेकर राशन कार्ड सरेंडर करने की बात को बताएं। वहीं मृत व्यक्ति, विवाहिता, घर में 4 पहिया वाहन, 5 एकड़ जमीन राशन उठाव करने को लेकर डीलर पर कार्रवाई करने को लेकर बताएं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि संपन्न सुयोग्य लाभुकों का राशन कार्ड से नाम हटाने में जिला प्रशासन को सहयोग करें ताकि योग्य लाभुकों का राशन कार्ड का लाभ दिया जा सके। वहीं पशु चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर रविकांत कुमार ने बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन एवं गाय पालन जैसे बातों को लेकर लोगों के बीच जानकारी को बताएं। वहीं जिला नियोजन पदाधिकारी इमरान फारूकी ने कक्षा 8 से ऊपर छात्र छात्राओं के लेकर के ई पोर्टल ऑनलाइन निवेदन शिक्षित छात्र छात्राओं को ई पोर्टल में शिक्षा से जुड़े सभी कागजात को लेकर के निबंधन कराने को बताया। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। वहीं जिला से पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चों के जिला अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह जिला सचिव ने इस योजनाओं के बारे में सबको लाभ देने को लेकर सभी लोग के बीच बताया। इस कार्यक्रम में लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से लोगों को बताया। वहीं शिविर में शिवपुर के कुसुम देवी एवं मंजू देवी ने आवास को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैद्यनाथ उराव के पास किया। वहीं वीडियो के द्वारा जांचो उपरांत आवास देने को लेकर बताए। वहीं मौके पर सभी पदाधिकारी गढ़ एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी लोगों ने सोना सोवरण योजना के धोती साड़ी एवं लुंगी का वितरण किया। इस मौके पर JSS राजू पासवान, BCO राजू रजक, पशु चिकित्सक प्रभारी रविकांत कुमार, MO विजय शंकर, मुखिया मनीषा कुमारी, पंचायत समिति ज्योति देवी, पंचायत सेवक प्रसाद जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह, जिला सचिव वीरेंद्र पांडे, जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य बैजनाथ मेहता, प्रखंड अध्यक्ष गणेश राय, महिला प्रखंड अध्यक्ष। वहीं शिविर में शिवपुर के कुसुम देवी एवं मंजू देवी ने आवास को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैद्यनाथ उराव पास किया। वहीं BDO के द्वारा जांचो उपरांत आवास देने को लेकर बताएं। वहीं मौके पर सभी पदाधिकारी गढ़ एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी लोग ने सोना सोवरण योजना के धोती साड़ी एवं लुंगी का वितरण किया। इस मौके पर JSS राजू पासवान, BCO राजू रजक, पशु चिकित्सक प्रभारी रविकांत कुमार, MO विजय शंकर, मुखिया मनीषा कुमारी, पंचायत समिति ज्योति देवी, पंचायत सेवक प्रसादी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह, जिला सचिव वीरेंद्र पांडे, जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह, केंद्र समिति सदस्य बैजनाथ मेहता, प्रखंड अध्यक्ष गणेश राय, महिला प्रखंड अध्यक्ष ब्यूटी कुमारी, युवा मोर्चा के निषाद कुमार, मुखिया प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार, समाज सेवी शिवालक यादव, लेडी सुपरवाइजर रेखा कुमारी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। सतगावा कौशल पांडे की रिपोर्ट। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में सतगावा प्रखंड के शिवपुर पंचायत सिहास गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति कोडमाई और सतगावा प्रखंड के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद हैं। उनकी देखरेख में सारे स्टॉल लगाए गए हैं, इसलिए
झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति वर्मा इस कार्यक्रम से संतुष्ट है और यहाँ मौजूद प्रखंड पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देने का पात्र हूँ। धन्यवाद सर। आज जो है से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को लेकर के आज सिखपुर पंचायत में इसका आयोजन किया गया है, उसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? सरकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज सिखपुर पंचायत में यहाँ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में आम जनता ने भाग लिया है और बहुत सारे आवेदन यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया है और ये प्रखंड सिद्धू साहब प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जिला के विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा इसी की जो आवेदन है उनका निराकरण बहुत जल्दी किया जाएगा और जो सरकार की जो योजनाएँ हैं उनका लाभ 100% लोगों को पहुँचाया जाए। ये प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उनकी कोशिश है, जिला स्तर के जो पदाधिकारी भरपूर कोशिश है और अधिक संकल्पित हैं इस योजना का लाभ सभी को। आपने योजना आपकी सरकार ये मैं समझता हूँ कि जब से झारखंड बना है ये पहला हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह का प्रोग्राम करके पूरे झारखंड के दबे कुचले जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि कौन सा पद पेपर कहाँ बनता है क्या कठिनाई है, इसलिए पूरे सरकार को पूरे प्रशासन को गांव-गांव में जाकर के और समझाना और उनका जो कार्य है वो तुरंत देन एंड देयर उसे करने निष्पादित करने का आदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया और मैं समझता हूँ कि पूरे जिला में नहीं पूरे झारखंड में बहुत बेहतर काम हो रहा है और इससे जनता का जो ज्ञान नहीं है जो मालूम नहीं था वो जानकारी हो रही है और जो विभिन्न तरह की योजनाएँ सुकन्या योजना देखिए, आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना देखिए, पशुधन योजना देखिए, वृद्धा पेंशन देखिए। वृद्धा पेंशन पहले क्या था कि लाल कार्ड होगा तब बनेगा, उसे नहीं बनना चाहिए। अभी क्या हो गया 60 ईयर ओल्ड एनीबॉडी कोई भी आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड से मतलब नहीं है, उसका देन एंड देयर वृद्धा पेंशन बनना है। 18 से ऊपर कोई विधवा हो गई है उसे विधवा पेंशन देन एंड देयर बनना है। ये कौन किया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुत्र हेमंत बाबू ने। आज तक बहुत सारे मुख्यमंत्री बने झारखंड में लेकिन जिस तरह जनता की सेवा, जनता के लिए, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो वो के हैं कौन है, वो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसलिए बहुत कम समय में इन्हें मौका मिला, 2 साल कोरोना था और 4-6 महीने में जो कर दिया। मैं समझता हूँ कि आंकड़ा लीजिए आप कि अगर 2-3 साल काम करेंगे तो क्या परिणाम हो सकता है झारखंड के लिए। झारखंड में मुख्यमंत्री का सपना है कि एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाए, इतना रोजगार सृजन नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उनका प्रोग्राम है एक बार चल चुका, ये दूसरा राउंड है और सफलतापूर्वक चल रहा है। निगाहें पार्टी के पदाधिकारी को भी है और प्रशासन को भी है, जनता की कोई भी काम चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो किसी तरह की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, मैं समझता हूँ और मैं ओपन बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कष्ट होगा, कहीं दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर हम उससे बात कर सकते हैं। मैं हर संभव क्या मैं करवा ही दूंगा, चाहे तो जिससे बात करना पड़े, तो भाई से बात करना पड़े, चाहे झारखंड सरकार से बात करना पड़े। लेकिन समस्या कार्यक्रम जो है जैसे सिखपुर पंचायत के इतिहास में किया गया है उसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपके अधिकार आपके द्वार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा पड़ाव ग्राम पंचायत सिंहपुर यहाँ पे आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभी यहाँ पे जो काफ़ी संख्या में भावी खंड यहाँ पे आए सभी को विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही साथ कई लोगों ने आवेदन दिया, आवेदन के आधार पर आज का प्राप्त करने वाले
तत्काल निष्पादन करने का एक निष्पादन किया गया है और कुछ ऐसे आवेदन जिसको तत्काल निष्पादन नहीं किया है और एक महीना के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत से उसके मध्य विद्यालय से कार्यक्रम में आया तमाम लोगों का पार्टी का अभिनंदन इसमें जिले से भी पदाधिकारी प्रखंड से भी पदाधिकारी तमाम जनप्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी के भी हिस्सा लिए और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम